हरियाणा के लोगों को अभी कोल्ड वेव से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने हरियाणा में 2 दिन पाला जमने का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान जम्मू और शिमला से भी कम दर्ज किया गया। हरियाणा के लोगों को अभी कोल्ड वेव से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हरियाणा में मौसम में बदलाव के कारण कोहरा छाया है, तो वहीं शाम के समय चलने वाली हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने हरियाणा में 2 दिन पाला जमने का अलर्ट जारी किया है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल सहित प्रदेश के जीटी रोड बेल्ट पर पड़ने वाले अंबाला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में घनी धुंध देखने को मिली है। विजिबिलिटी लगभग शून्य पहुंच गई, जिससे वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखाई दिए। प्रदेश के तापमान में लगातार बदलाव दिख रहा है। बढ़ती ठंड के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों का कहना है कि ठंड के कारण आम दिनचर्या के कामों में ब्रेक लग गया। कोहरे और ठंड की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो कोहरे का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। ज्यादा ठंड में रहना बच्चे और बुजुर्गों के लिए घातक साबित हो सकता है। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको सांस की तकलीफ है या जिनको घुटनों की या गर्दन या कमर की तकलीफ है, किसी भी तरह से वो परेशानी में है, तो उनका सबसे पहले तो यही होता है कि घर से बाहर निकलने, यदि घर से बाहर निकलना जरूरी है तो घर से बाहर निकलने से पहले गुनगुना पानी पी के निकलें और घर वापस आने के बाद भी गुनगुना पानी पिए, जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरा, वो जब भी घर से बाहर निकले तो हाथों में ग्लव्स और सिर में कैप लगा करके जरूर निकलें, जिससे उनको कोल्ड वेव से बचाया जा सकता है। तीसरा, जब भी कोई भी अगर सर्दी जैसे पड़ रही है तो उनको कसरत करने की जरूरत है या किसी भी तरह से बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है वर्कआउट करने के लिए, तो हम लोगों की तरफ से या हमारी तरफ से सलाह ये होता है कि आप घर पे ही वर्कआउट करें, कमरे के अंदर करें, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बहुत मजबूरी है तो आप बाहर निकलिए। हालांकि ठंड से गेहूं की फसल को फायदा पहुंच रहा है। किसानों की माने तो जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ही गेहूं की फसल अच्छी होगी। बहरहाल प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों तक इसी तरह से ठंड लोगों को परेशान करती रहेगी। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।